यहाँ पे हर तरह का टेम्पू मिलने वाली है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं डाला टेम्पू है, इधर जो है कि सवारी से सवारी ढोने वाला टेम्पू भी देख सकते हैं, और इधर इस तरह के कई सारे टेम्पू हैं और सारा टेम्पू स्टॉक में है। तो हेलो फ्रेंड, जय श्री राम, स्वागत है आप लोगों का मेरा न्यू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज है हम लोगों के न्यू ट्रिप में हम लोग शुरुआत हुआ है दोस्तों, लेकिन ये जो है कि पहली बार हम लोग जा रहे हैं कहाँ, तो आप लोगों को वीडियो में आगे देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन जा रहे हैं बहुत ही लंबा सफ़र है ना, तो फिलहाल अभी मेन रोड में है और यहाँ पे देखिए फतुल्ला मस्जिद के पास है, और अपना गाड़ी अभी लोड हो चुका है दोस्तों। तो क्या लोड हुआ है तो चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं। एक टेम्पू अपना है और एक टेम्पू और भी है, तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या लोड हो रहा है। फाइनली ये वीडियो बहुत ही मज़ा आने वाली है, क्योंकि यार ये सफ़र जब से हम टेम्पू खरीदे हैं ना, तो ये सफ़र मतलब ये हमारा जर्नी पहली बार होने वाली है। तो चलिए क्या कैसा रहेगा सफ़र और कहाँ हम लोग जा रहे हैं वो आगे बात करते हैं, और आप लोगों को आगे ये नज़ारा भी दिखाएंगे कि कितने प्यारे प्यारे नज़ारा मिले। हालांकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पहले हम गया ही नहीं हूँ। तो देख भाई का गाड़ी लोड हो रहा है, तो दोनों टेम्पो साथ ही में जाने वाली है हम लोग। तो फाइनली दोस्तों हम लोग का गाड़ी लोड हो गया, और अभी देखिए आगे एक गाड़ी निकल गया है, तो अभी चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे हरमू, और हरमू से इसका पेपर वगैरह लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग पहुंच गए हैं इसका घर, जिसका मतलब जो भेजवा रहा है, मतलब जो जूता सॉरी जिसका माल भेजवा रहे हैं, तो उसका अभी घर आए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका घर इधर है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सा घर बनाया है जूता चप्पल की दुकान से। तो भाई अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग को पेपर वगैरह लेना है, और पेपर वगैरह ले करके फिर हम लोग इधर से निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं इतना कितना टाइम लगता है यहाँ पेपर लेने में, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो इधर देखिए अपना गाड़ी इधर लगाए हुए हैं, और ये भैया जी का गाड़ी इधर लगा हुआ है। तो एक दो पेटी और भी है, उसको सोच रहे देख रहे कितना बड़ा होगा, उसी हिसाब से लोड लेंगे ना, तो नहीं लेना है। तो दोस्तों पेपर वगैरह हम लोग इधर से ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग का एक हो गया है प्रॉब्लम शुरुआत में। तो दोस्तों देखिए हम लोग का हाइट जो है ना कि मतलब ओवरलोड माल हो गया है, तो जिसके वजह से दोस्तों हम लोग का तिरपाल छोटा हो गया है इस गाड़ी का। तो इसमें देखिए अभी हम प्लास्टिक दे करके हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी तरह से पानी रुक जाए, गाड़ी साइड करोगे ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग का इधर जो है कि हो गया है, तो अभी चलिए हम लोग निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग का लोकेशन मिल गया है, हम लोग को एक्चुअली जाना है लोहरदगा। तो आज लोहरदगा का सफ़र करने वाले हैं, तो यहाँ से हम लोग का कम से कम 70 किलोमीटर, तो 70 × 140 या 150 किलोमीटर जो है कि हम लोग का अप डाउन चलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं, तो हम लोग इधर से अभी निकल गए हैं भाई। तो चलिए, और हम लोग अभी 8:30 सुबह में भाड़ा के लिए सुबह में 5 बजे उठे। तो दोस्तों हम लोग जो है कि कटहल मोड़ पार कर गए भाई, तो अभी आप चलते हैं हम लोग सीधा नगरी होकर के, और नगरी पुरु लोहरदगा होकर के जाएंगे पुरु। तो देख सकते हैं रास्ता है, पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए। यार रोड जो है भयंकर वाला भाई, मतलब एकदम काफी हाइट में रोड हुआ है। चलिए अभी चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग एक जगह पे होल्ड किए हुए भाई, तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग का दोनों टेम्पू लगा हुआ है,
तो हम लोग अभी बेड़ो और जो है कि चट्टी के बीच में हम लोग अभी खड़े हैं। तो सोच रहे हैं कि भाई पार्टी भी ऐसे भी बोला है कि मतलब आराम से चलना, मतलब हम आएंगे तो वहाँ तब उतरवा करके माल मिलाना भी पड़ेगा। सोच रहे हैं कि दोस्तों आगे एक होटल है तो हम लोग चलते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद फिर यहाँ से धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे ना भैया। तब सफ़र कैसा है आपका? ठीक है भाई, ठीक है। तो भैया का सफर ठीक है? गड़बड़ा के एकदम गाड़ी भगा रहे, सरसरा के एकदम पूरा। हमेशा से आगे आगे इन्हीं को रखे क्योंकि ये पहले आए हुए हैं और हमारा तो पहला बार है, इसलिए इन्हीं को आगे रखे तो पूरा गाड़ी को दबा रहे, एकदम सरसरा के पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, इधर आए हैं लेकिन गाँव वाला पूरा पूरा फीलिंग्स लग रहा है। तो देखिए चारों तरफ खुला खुला है ना, तो इस तरफ देख सकते हैं चारों तरफ खुला खुला है भाई, और ये रोड है। तो इधर से हम लोग आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग का गाड़ी देख रहे हैं, इधर से हम लोग आ रहे हैं और इधर हम लोग लोहरदगा की साइड में जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा एक होटल दिखा था तो यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह जो है सो पी लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो साथ ही भैया पहली मुलाकात हुआ है, और भैया क्या नाम है? संतोष जी नाम है इनका। तो चलिए अभी एक होटल है, देखते हैं यहाँ चाय वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है। चाय है अंकल जी? नहीं है। तो दोस्तों देखिए फाइनली हम लोग का चाय आ गया है। लेकिन दोस्तों अभी एक छोटी सी थोड़ी सी अपडेट दे रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग का जो अभी डाला टेम्पू का जो है सो रांची में बहुत ही ज़्यादा हलचल मच रहा है ना भैया। तो वही जिसके वजह से जानते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो ऐसा होगा कि मतलब गाड़ी वाड़ी हम लोग शोरूम में जमा करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नो एंट्री जो एक था तो हम लोग का 11 बजे से 5 बजे तक था, लेकिन अब जो है कि 12 बजे से मतलब 3 बजे तक नो एंट्री खुला रहेगा, उसके बाद जो है कि नो एंट्री रहेगा। तो 3 घंटा में दोस्तों जो मान के चलिए टाउन के और टेम्पू का जो माल है टाउन के अंदर में लेके ही जाना है। तो टाउन के अंदर अगर घुस ही नहीं सकते 3 घंटा में, मतलब कितना का क्या हो सकता है, इस तरह का परेशानी है। तो बीच बीच में इधर घेराव कुछ होने वाली है, इसके बारे में भी वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग चाय वगैरह पीते हैं और हम लोग अपना वोकेशन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग चाय पी लिए हैं भाई। तो अभी देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं और भैया वही बारे में बात कर रहे हैं जो मतलब स्ट्राइक लगने वाला है। तो भाई इस तरह के मतलब टेम्पू का जो कमाई है या पूरे मतलब डाला टेम्पू का मतलब पता नहीं है गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मीटिंग में जब भी आप बताइए जो क्या झारखंड मंत्री जो उसको मुख्यमंत्री जो है ना, ये साला पागल हो गया बेटा वो। तो इसीलिए देखिए देखो अभी भैया बात कर रहे हैं उसी मामले में बात हो रहा है, पूरा चक्का भी जाओ बंदी हो तमिल तो लोहर तक आप निकल गए। आज आज एक दो बजे पहुंच जाए तो उन्हें चक्का जाम रहता पूरा रहने नहीं करता। तो दोस्तों आज अभी अपडेट आप लाइव अपडेट आ रहा है, मतलब जो है कि मतलब यार चक्का जाम हो रहा है रांची साइड में, क्योंकि ये स्ट्राइक मतलब ये ले करके कि मतलब टेम्पो का जो नो एंट्री का जो है ना ले उसे ले करके दोस्तों वहाँ चक्का जाम चल रहा है। तो फिलहाल हमें तो प्रॉब्लम ना ना, तो फिलहाल अभी हम लोग को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखते हैं रिटर्निंग टाइम क्या पोजिशन होने वाली है। क्योंकि भाई जब तक निर्णय नहीं होगा कहाँ जाएगा, सोचिए कि मतलब कितना ड्राइवर कितना भाई लोग हैं जो टेम्पो से अपना घर परिवार को चला रहे हैं, और मतलब जिस तरह का ये मुख्यमंत्री जो निर्णय लिया जा रहा है कि मतलब गाड़ी के चारों तरफ रांची में नो एंट्री अगर लगा दे तो भाई चलेगा कहाँ, मतलब दुकानें कहाँ लगेगी। फिर तो फिर घंटा में क्या करता है, 5 घंटों में 3 घंटे 12 से 5 नहीं नहीं 12 3 बजे से 5 बजे से 5 बजे। तो 5 बजे से 8:30 बजे तक है सुनने वाला, तो 3 बजे से 5 से 8:30। तो वही 5 घंटा में, तो 5 घंटा में भाई क्या होता है। बाकी बात रांची का अगर आप लोग देख रहे होंगे तो बाकी आप लोग रांची का मतलब रोड का सड़कों के मतलब क्या हालात है वो चीज़ अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो दोस्तों चैनल में बने रहिएगा, सारे साल से दिखाएंगे। सबसे पहले का जाम इतना चलता है जिसके वजह से इल्ज़ाम जो है कि जो डाला टेम्पू है ना हम लोग का टेम्पू है इस पर लाद दिया जा रहा है। तो फिलहाल बने रहिए दोस्तों, आगे क्या होने वाली है वो सारे चीज़ आप लोगों को दिखाने वाले हैं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में।
तो दोस्तों चलिए यहाँ से निकलते हैं, और मेरे साथ वाला टेम्पू तो निकल गया भाई, यहाँ देख सकते हैं मेरा आ गया है, ये लेंगे। तो चलिए फटाफट से निकल गया, और ऐसे भी मेरा पहला है तो भाई पीछे पीछे पकड़ के ही चलना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग एक नंदना ढीपा पहुँच गए हैं भाई, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना खतरनाक एकदम पूरा नंदना ढीपा दिख रहा है ना, देख रहे हैं एकदम एक नंबर मस्त दृश्य है भाई यहाँ पे। दोस्तों अभी हम लोग भांड्रा पहुंच गए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग का टैक्स देना पड़ रहा है और ये जिला परिषद भांड्रा बस स्टैंड विभागीय चुंबी वसूली है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पो का 15 रुपये वसूली किया जाता है रोड टैक्स वगैरह। तो यहाँ पे अभी देखिए भैया जो है सो खड़ा करवा दिए हैं। ठीक तो बोल रहा है कि मतलब वहाँ से जा करके गुमला रोड में घुसना पड़ेगा तब जा करके। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं सभी गाड़ियों को रोक रहा है टैक्स के लिए। भैया एक बार बता दीजिएगा क्या चीज का टैक्स देना पड़ रहा है, तो अगर लोग गाड़ी है नगर केंद्र होता है इसका। हाँ लोहरदगा जिला से। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग का एक फायदा हो गया हमारे लिए, खास करके भैया जी जो के पूछ रहे हैं कि चैनल का लाभ क्या है, तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब भी बढ़ जाएगा इनसे। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना कि मतलब लोहरदगा जिला का अंतर्गत में मतलब हम लोग घुसे हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ 15 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है ना भैया। इसको हम लोग दोस्तों यहाँ से हम लोग जो टैक्स किए हुए हैं वो हम लोग अभी बाकी सब से बात करेंगे। फिलहाल हम लोग भांड्रा में भांड्रा पहुँचे हुए हैं, और यहाँ से हम लोग का लोहरदगा तकरीबन कितना 16 किलोमीटर है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 16 किलोमीटर आगे हम लोग जाएंगे, और यहाँ सभी गाड़ियों से टैक्स लिया जा रहा है। तो जो कि देख सकते हैं दोस्तों सवारी टेम्पू भी है, तो ये सभी गाड़ियों से मतलब जो, तो इस रूट से जब भी आप गुजरिएगा ना तो समझिएगा यहाँ पे जो है सो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग का टेम्पू का 15 रुपये देना पड़ा भाई, और बाकी बात सवारी वाला तो रेगुलर चलता होगा तो 10 रुपया देना पड़ता होगा। तो चलिए कोई नहीं, इसमें भाई वो केवल हिंदू का सपोर्ट कर रहा था यार, जैसे कहने का मतलब है ना, इसीलिए वो कुछ रहा तो बोला कि जैसे क्या हम जैसे ही हम बताए ना कि हम हिंदू हैं तो बोल रहे तो आप सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलो भाई कोई नहीं, अच्छा है कि कई जगह जगह पर मतलब इसी तरह से धीरे धीरे सब्सक्राइब बढ़ेगा। तो इसी यही होता है भाई कि मार्केट में वीडियो बनाने के बाद ना लोग आपको देखेंगे क्या कर रहे हैं पूछेंगे, उसके बाद चैनल को देखेंगे, उसके बाद फिर उसको सब्सक्राइब वगैरह कर देंगे। तो इसी तरह का मतलब जो है कि अपना फैमिली भाई यूट्यूब फैमिली हमारा धीरे धीरे बड़ा होगा है ना। तो चलिए यहाँ से अभी 16 किलोमीटर शेष बचा हुआ है अपना लोहरदगा का, तो वहाँ से अभी चलते हैं। और जैसे कि आप लोगों को बीच राह का मतलब लोकेशन वगैरह आप लोगों को दिखा रहे थे, आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा हो। ये दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरा टोकन है, दूसरा टैक्स देना पड़ रहा है। ये बोल रहा था कि पैसा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा टोकन यहाँ 25 रुपये का, वहाँ 15 रुपये दिए, यहाँ 25 रुपये का। और अभी हम लोग फिलहाल है कहाँ है अमीन, अभी लोहरदगा में। तो लोहरदगा हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 35 रुपये आप तक खर्चा हो। यही है चप्पल जूता। तो फाइनली दोस्तों नयोदिया हम लोग पब्लिक स्कूल जो है सो हम लोग विद्यालय पहुंच गए हैं, और यहाँ का कुछ इस तरह से लोकेशन है। तो भाई मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं कि भाई विद्यालय वगैरह में वीडियो बनाना अलाउ नहीं रहता है ना, तो हम आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। हम लोग जो है कि गाड़ी अनलोड वगैरह जो होगा उसके बाद फिर हम लोग इधर से निकलेंगे, लेकिन आप लोगों को इतना ही केवल बता सकता हूँ कि ये विद्यालय में दोस्तों विदाउट ऐसे एंट्री नहीं कर सकते क्या भैया, यहाँ पे अलाव ही नहीं है कि कोई आदमी मतलब एंट्री ले ले। लेकिन हम लोग
फ्री में पहली बार हम लोग आ गए, क्योंकि हम लोग माल लेकर के आए हैं, इसीलिए हम लोग एंट्री कर लिए हैं। और सौभाग्य मिला के भाई ये स्कूल देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही कोई जिसका बच्चा अगर नहीं रहता है ना, तो वो लोग जो है कि यहाँ पे नहीं देख पाता है। तो हम लोग को सौभाग्य मिला कि हम लोग ये स्कूल को देखे हैं। और दोस्तों कैसे है ना कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेशन अगर वगैरह देंगे ना, तो अच्छे मार्क्स में पास करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों कोई घुसखोरी वगैरह से यहाँ पे इस स्कूल में नहीं आते हैं। यहाँ पे बच्चा का टैलेंट के वजह से यहाँ तक वो पहुँचता है। क्या भैया? सही बात है भैया। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना कि मतलब बच्चा का टैलेंट जिस तरह के जिस एक्सपीरियंस से जितना आप टैलेंट दे सकते हैं बच्चे को, और लिखावट पढ़ने में जितना टैलेंट रहेगा उसी हिसाब से इसको मतलब यहाँ पे अप्लाई हो करके ये स्कूल में एडमिशन मिलता है। बाकी अगर आप सोच रहेंगे कि मतलब यहाँ पे पैसा वगैरह अगर दे करके कर लेंगे, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए, अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और फिर जिसका माल ले करके आए हुए हैं वो पार्टी यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि तभी यहाँ पे अनलोड होगा। बात किए थे किए क्या बोले? तो दोस्तों जैसे ही हम लोग का गाड़ी खाली होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकलेंगे। और ये देखते हैं, देखिए वो जो द्वार आप लोगों को दिख रहा है, फिलहाल दोस्तों टीचर आ गया था इसीलिए इधर अभी नीचे कर दिया है, क्योंकि यहाँ अलाव नहीं रहता है भाई, और बहुत ही जाने माने स्कूल है ना, तो यहाँ पे मतलब अलाव नहीं रहता है। तो इसीलिए चलिए दोस्तों, अभी हम लोग का ऑर्डर आया हुआ है खोलने का, तो फटाफट से एक गाड़ी को खोलते हैं, माल उतरवाते हैं, उसके बाद फिर अपना गाड़ी को माल उतरवाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। फिलहाल दोस्तों हम लोगों को आधा घंटा का वेट करने का मौका मिला है, और यहाँ पे बोल रहा है आधा घंटा बाद खाली होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चल रहा है स्कूल में, तो इसीलिए तो देखते हैं कितना देर में होता है। और यहाँ का कुछ इस प्रकार से व्यू है भाई, देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल दोस्तों अभी प्रधानाचार्य नहीं है इसीलिए शूट कर रहे हैं, तो अभी वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं। हम लोग अभी निकल रहे हैं भाई, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, इस समय अलाउ नहीं रहता है भाई कि वीडियो बना सके, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बना रहे वीडियो। तो फिलहाल अभी हम लोग खाली कर दिए हैं, यहाँ से अभी निकल रहे हैं भाई, तो अभी निकलते हैं, फिर हम लोग जाएंगे रांची। तो दोस्तों हम लोग अभी जो है कि यहाँ पे लोहरदगा मिशन चौक के पास खड़े हैं, और ये है दोस्तों मिशन चौक। तो हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, अभी इंतज़ार कर रहे हैं पार्टी का, जो पार्टी माल भेजवाया था उससे हम लोगों को भाड़ा लेना है, तो आधा हम लोग को दिया हुआ था डीजल वीजल भरने के लिए, लेकिन दोस्तों अभी जो है कि बाकी पैसा जो है सो अभी लेना है, तो भैया फ़ोन कर रहे हैं तो बोला था कि मतलब इधर ही रुकने के लिए, तो अभी रुके हुए हैं, तो जैसे ही आता है अपना पैसा ले करके और निकलते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम जो है कि लगभग एक बजने वाला है, तो भाई दिन भर जो है कि चौपट होने वाला है इधर ही। चलिए अभी देखते हैं, वेट करते हैं कितना देर में आता है, और हम लोग पैसा वैसा ले करके और फिर हम लोग जो है कि यहाँ से निकलेंगे रांची। तो दोस्तों हम लोग अभी मखमंदरों पार कर गए हैं, और सामने बस जस्ट ही मतलब हम लोग रांची पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन हम लोग सोचे थे 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुँच पाए दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम लोग की तरह टेम्पू चला करके अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए यूज टेम्पू मिल जाने वाली है दोस्तों, लेकिन ये इसका रिव्यू मतलब तभी करेंगे जब आप लोग कमेंट करें पूछेंगे, तो कमेंट बॉक्स में जंप करके कमेंट करिएगा दोस्तों, कि अगर जिनको जानना है यूज टेम्पू का प्राइस के बारे में और क्या डिटेल्स होने वाली है, इसके लिए अलग से वीडियो आएगा। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस टेम्पुओं का कीमत और प्राइस के बारे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जंप के कमेंट करिएगा दोस्तों, ताकि और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो ला सकता हूँ। तो फिलहाल देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इतनी सारी जो है सो यूज्ड टेम्पू है खड़ी हुई है, ये सेल के लिए है दोस्तों। तो इसका डिटेल्स हम लोग आप लोगों को अगले वीडियो में बताएँगे, जब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जिन्हें जानना है इसके प्राइस के बारे में, और हम हमारे और संतोष भैया की तरह अगर आप लोग पर डे का मतलब काम मिले तो अनलिमिटेड ना संतोष भैया, अगर इस तरह से आप लोग अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो फिर आप लोगों के लिए वीडियो लाइव परमिट डीजल CNG सब गाड़ी मिलता है। तो भैया यहाँ पे बोल रहे हैं, तो फिलहाल चलिए दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दे कि मतलब किस तरह का टेम्पू यहाँ पे है। यार नमस्कार, ये शोरूम का ओनर हुए हम। हाँ। और मेरा शोरूम का नाम मां अम्बे ऑटोमोबाइल्स है,
ये इधर से रातू पार्क से 1 से 1.5 किलोमीटर आगे है और मखमंद्रो से 100 कदम पहले है, 100 मीटर पहले है। हमारे यहाँ आपको सभी तरह का गाड़ी मिलेगा, परमिट हो गया, बिना परमिट हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, डाला हो गया, जैसा भी आप गाड़ी खोजिएगा 3-व्हीलर में सारा गाड़ी मिलेगा। अच्छा, तो भैया जैसे कि मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया तो यहाँ पे हर तरह का टेम्पू मिलने वाली है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाला टेम्पू है, इधर जो है कि सवारी से सवारी ढोने वाला टेम्पू भी देख सकते हैं, और इधर इस तरह के कई सारे टेम्पू हैं और सारा टेम्पू स्टॉक में है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को अगर इसकी जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो फाइनली हम लोग रूम पहुँच गए और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ऋषि क्या चला रहा है बेटा, ट्रैक्टर गाड़ी। तो देखिए ऋषि ट्रैक्टर गाड़ी चला रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मतलब हम लोगों का आज का सफ़र था रांची टू लोहरदगा, ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था दोस्तों, और इतनी लंबा सफ़र हम पहले कभी नहीं चले हुए थे, तो ये पहली बार है कि हम लोग गए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बीच रास्ते में आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश किया कि मतलब अगर यूज्ड टेम्पू अगर आप लोगों को लेनी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए उसकी रिव्यू लेकर के आ सकता हूँ टेम्पू का मतलब उसका पूरा डिटेल्स लेकर के आ सकता हूँ, ठीक ना। तो फिलहाल अभी रूम पहुँच गए, तो चलिए अभी बताते हैं कि मतलब हम लोग लोहरदगा कितने में गए थे। तो दोस्तों हम लोग 1900 रुपया का भाड़ा से गए थे यहाँ पे रांची से लोहरदगा। गिर जाएगा बेटा, गिर जाएगा, देखा ना देखा। और ऋषि का गाड़ी देखिए वहाँ चढ़ गया ना, गिर जाएगा, लेकर टूट जाएगा। 1900 रुपया में गए थे दोस्तों, जिसमें पूरे दिन निकल गया भाई, तो 1900 रुपया में भी प्रॉफिट नहीं पड़ा क्योंकि एक दिन पूरा निकल गया, लॉस ही है। तो थोड़ा मतलब कम से कम 2300-2400 रुपये भाड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं, पार्टी नहीं दिया। तो चलिए कोई नहीं दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आप जाएँगे, और मुझे भी कोई आइडिया भी नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम जाएँगे तो अपना चार्ज करेंगे 2500-2400-2300 तक, और लास्ट 2200 तक जाना ही है। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।